दोस्तों, मैं आज आमले की चटनी बनाने जा रही हूँ। छोटे बड़े मिला के 6 आमले हैं। इसको हम थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। गाइस देखिए, आमले की कटिंग कर लिए हैं और थोड़ी सी इसके साथ लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च इसको पीसेंगे बारीक पीस के। तीनों एक साथ मिला के मिक्सी में जा रहे हैं पीसने। पीसने के बाद फिर आपको चटनी दिखाते हैं। देखिए गाइस, चटनी पीस के रेडी कर लिए हैं और इसमें अपने स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। आप जितना पीसे हैं उसके हिसाब से, हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं नमक और थोड़ा सा कच्चा तेल यानी सरसों का तेल। इससे बहुत टेस्टी लगेगा और ये सर्दियों में इसका चटनी खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि सर्दी में खाने से आपको सर्दी नहीं लगेगा, थोड़ा चटपटा लगेगा, खाना आसानी से हजम कराएगा। इसलिए इस सेहत के लिए खाना बहुत अच्छा है।